Hello students, today we will read first chapter of science, plants around us. Plants are all around us. पेड़ हमारे चारों तरफ हैं. पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ हैं. We see them in all shapes and size. हम हर आकार के और हर प्रकार के पेड़ देखते हैं अपने चारों तरफ. Plants can grow in land and water. पेड़ जो हैं वो जमीन और पानी दोनों पर उगते हैं. They can also grow in very cold or very hot places. जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ठंडी वातावरण में और बहुत गर्म वातावरण में भी उगते हैं, मतलब ठंडी जगहों पे भी उगते हैं और गर्म जगहों पे भी उगते हैं. ऐसे जगहों पे जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है या फिर ऐसे जगहों पे जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. ठंड बहुत ज़्यादा कहाँ होती है? पहाड़ों में, पहाड़ी इलाकों में. और गर्मी ज़्यादा कहाँ होती है? रेगिस्तान में. अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट, पेड़ के अलग अलग प्रकार. ट्री, पहला पेड़ का प्रकार क्या है? ट्री, पेड़. बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े और छोटे बड़े और ऊंचे पौधों को क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं. ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग वुडी बार्क. पेड़ के मोटे लकड़ी जैसे मजबूत क्या होते हैं? बार्क होते हैं. छाल, पेड़ की ऊपर की जो सतह होती है, पेड़ के ऊपर की जो परत होती है, पेड़ के ऊपर का जो खुरदुरा पार्ट होता है ना, उसको क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं. जो लकड़ी नुमा पार्ट होता है, लकड़ी जैसा स्ट्रॉन्ग पार्ट, उसको क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं. द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक. जो पेड़ का तना होता है, पेड़ का जो तना होता है जिससे पेड़ खड़ा रहता है, वो क्या कहते हैं उसको? ट्रंक कहते हैं. द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक. पेड़ के तना को क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. मैनी ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द ट्रंक. और बहुत सारी शाखाएं, डालियां निकल कर आती हैं किससे? ट्रंक से. जो तना होता है उसे बहुत सारी क्या? शाखाएं, बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी डालियां निकल कर आती हैं. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. और ये जो पेड़ है आपके, बहुत साल जिंदा रहते हैं. क्या रहते हैं? बहुत साल जिंदा रहते हैं. नीम, बैनियन एंड मैंगो आर सम ट्रीज. नीम का पेड़, बैनियन बरगद का पेड़ और आम का पेड़, ये सब क्या है आपके? पेड़ हैं. याद रखिएगा, क्या? ट्रीज हैं, ट्रीज. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. दूसरे तरह का पौधा क्या होता है आपका? शर्ब्स. दूसरे तरह का पौधा होता है आपका शर्ब्स. पहला क्या था? ट्री. दूसरा है शर्ब्स. स्मॉल प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आर शर्ब्स. छोटे पौधे जिनके की तनाएं, जिनकी तने बहुत मजबूत होती हैं, उनको क्या कहते हैं? शर्ब्स कहते हैं. छोटे पौधों में भी कुछ पौधे होते हैं जिनकी जिनकी जो तना जिसका जो होता है, जो स्टेम जो होता है, वो क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है. उसको क्या कहते हैं? शर्ब कहते हैं. मतलब छोटे पौधों को शर्ब कहते हैं. दे आर स्मॉलर देन ट्रीज. जो शर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेड़ से छोटे होते हैं. देयर स्टेम इज वुडी बट थिन. उनके जो स्टेम होते हैं वो भी लकड़ी जैसे होते हैं, वुडी होते हैं, मगर पतले पतले होते हैं. पेड़ के जो स्टेम होते थे वो क्या होते थे? बहुत मोटे होते थे. इनके बहुत पतले होते हैं, याद रखिएगा. क्या होते हैं? पतले होते हैं. विदाउट अ सिंगल मेन ट्रंक. और इसमें एक सिंगल मेन ट्रंक नहीं होता है, बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेम हो सकते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस. और इनमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारी डालियां होती हैं, बहुत सारी शाखाएं निकल कर आती हैं. दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू ग्राउंड. और ये जो डालियां होती हैं, इनके जो ब्रांचेस होते हैं, जो शाखाएं निकल कर आती हैं, वो जमीन के बड़े नजदीक से ही निकल कर आती हैं. दे लिव फॉर सम ईयर्स. और ये कुछ साल तक रहते हैं. जो पेड़ होते थे आपके वो क्या रहते थे? बहुत साल तक रहते थे. और शर्ब्स जो हैं वो कुछ साल तक रहते हैं. रोज, जैस्मिन एंड कॉटन आर शर्ब्स.
और कौन कौन से पौधे आपके सर्ब्स हैं? रोज, गुलाब का पौधा, जैस्मिन, बेली का पौधा और कॉटन, आपका सूती उसका पौधा। ये क्या है? ये सब शर्ब्स है, मतलब छोटे पौधे, फूल के जो पौधे होते हैं ना, उनको आप बेसिकली सर्ब्स कहते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टाइप का प्लांट क्या है आपका? हर्ब्स। नेक्स्ट टाइप का प्लांट क्या आपका? हर्ब्स है। अब ये हर्ब्स क्या है देखते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, बहुत छोटे पौधे उनको हर्ब्स कहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से, उनको क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। दे आर स्मॉलर देन शर्ब्स, ये शर्ब्स से भी छोटे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट टेंडर ग्रीन कलर्ड स्टेम, और इनका जो स्टेम होता है, इनकी जो तनाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? ये हरे रंग की होती हैं, वुडी नहीं, लकड़ी जैसी नहीं होती हैं, हरी हरी होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रीन कलर की स्टेम होती हैं, सॉफ्ट और टेंडर होती हैं। दे हैव स्मॉल रूट्स, और इनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं। दे लिव फॉर वन सीजन ओनली, और ये जो पौधे होते हैं आपके, एक सीजन के लिए ही होते हैं। जैसे कि बैगन का पेड़ लगाया, तो जिस सीजन में बैगन का उगना है, उस सीजन में बैगन का पेड़ से बैगन मिला आपको, उसके बाद वो क्या होते हैं? वो किसी काम के नहीं रह जाते, उनको काट के हटा दो या फिर वो खुद ही सूख जाएंगे। या फिर आपका पालक, पालक क्या आपका शर्ब्स है, पालक का पेड़ उगा, आपने पालक खाया और फिर पालक का सीजन खत्म, तो पेड़ खत्म। टमाटर है, टमाटर का सीजन आया, टमाटर के पौधे लगे, आपने टमाटर खाया और फिर सीजन खत्म, तो पौधे हटा दो, वो किसी काम के नहीं है, वो खुद सूख जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से हैं आपके हर्ब्स? ब्रिंजल, स्पिनच, कोरिएंडर आर हर्ब्स। आपका बैगन, स्पिनच क्या है, पालक, कोरिएंडर, धनिया, ये सब क्या है आपके? हर्ब्स हैं। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, अब चौथे तरह का पौधा क्या है आपका? क्लाइंबर्स। अभी तक हमने तीन तरह के पढ़े, क्या क्या पढ़े? ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स। अब है आपका फोर्थ नंबर, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? लतें जो होती हैं, लतरों की तरह जो चढ़ते हैं, लताएं, उनको क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। प्लांट्स विच नीड सपोर्ट, ऐसे पौधे जिनको की बढ़ने के लिए या फिर खड़े होने के लिए, चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, मतलब दूसरे पौधे या दूसरे किसी चीज की, किसी सामान की, किसी डाली की, किसी धागे की, किसी पाइप की, लकड़ी की जरूरत पड़ती है चढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं, क्योंकि वो क्लाइंब करता है, चढ़ता है। प्लांट्स विच नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, वो पौधे जिन्हें की खड़े रहने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है, बढ़ने के लिए सीधे सहारे की जरूरत होती है, चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है, उसको क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। दे हैव वीक लॉन्ग थिन स्टेम, और इनकी जो स्टेम होती है, इनकी जो तनाएं हैं, वो क्या होती हैं? बहुत ही वीक होती है, कमजोर होती हैं, लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं और थिन होती हैं, पतली होती हैं। जैसे कि आपका कद्दू, नेनुआ, करेला, ये सब के जो पौधे हुए, मटर, अंगूर, ये मनी प्लांट, ये सब क्या है आपके? लतरों की तरह चढ़ते हैं ना ये पौधे, तो ये क्या आपके? क्लाइंबर्स हैं। ग्रेप वाइन, पी प्लांट एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स। कहते हैं कि ग्रेप वाइन मतलब अंगूर, पी प्लांट आपके मटर, मनी प्लांट, कद्दू, नेनुआ जो पौधे होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्लाइंबर्स होते हैं। करेला, ये सब क्या है? सब क्लाइंबर्स हैं। विच ग्रो बाय क्लाइंबिंग पोल्स, ये सब कैसे बढ़ते हैं? ये ग्रो करते हैं किसी पोल पे चढ़ के, वॉल्स, किसी दीवार पे चढ़ के, फेंस एंड इवन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट, या फिर किसी दूसरे अगल बगल वाले पौधे पे भी चढ़ के सपोर्ट लेते हैं ये। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? क्लाइंबर्स हैं, वो पौधे जो कि खुद से खड़े नहीं हो सकते, सीधे बढ़ने के लिए उनको दूसरों की सपोर्ट की जरूरत होती है। प्लांट विच नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स।
ये क्या होते हैं, ये कमजोर होते हैं, दे हैव वीक लॉन्ग थिन स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है, इनकी जो तनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं, लॉन्ग होती हैं, कमजोर, लंबी, पतली होती हैं, थिन होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है आपके ग्रेप वाइन, पी प्लांट, मनी प्लांट एंड क्लाइंबर्स विच ग्रो बाय क्लाइंबिंग पोल्स। ये जो क्लाइंबर्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, किसी चीज पे चढ़ के, या तो किसी पोल पे चढ़ के, या तो वॉल पे चढ़ के, दीवार पे, फेंस पे, फेंस मतलब आपका बाउंड्री हो गया खेत का घेरा, उस पे चढ़ के, या फिर किसी और पौधे, किसी और प्लांट पे चढ़ के ये क्या लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा तरह का प्लांट हो गया, क्या हो गया, क्लाइंबर्स। अब आते हैं हम पांचवे तरह के प्लांट पे, जो है आपके क्या है, क्रीपर्स। प्लांट दैट हैव सॉफ्ट ग्रीन वीक स्टेम, ऐसे पौधे जिनकी की कमजोर, पतले, सॉफ्ट से स्टेम होते हैं, मुलायम स्टेम होते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। दे ग्रो लॉन्ग अलोंग द ग्राउंड, और ये जमीन पर उगते हैं, मतलब जमीन पे इनकी, देखो ये भी लताएं ही होती हैं, ये भी लतड़ जैसे ही होते हैं, मगर ये जमीन पर उगते हैं, ये पोल पे नहीं चढ़ते, ये किसी पेड़ पे नहीं चढ़ते। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, ये भी सीधे खड़े नहीं रह सकते। दे बियर हैवी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इनमें भारी भारी सब्जियां या फल उगते हैं, इसीलिए ये एक तो कमजोर पौधे हैं, अगर ये ऊपर चढ़ेंगे किसी चीज पे तो इनके फल या सब्जियां इतनी बड़ी होती हैं कि इनकी जो लतड़े हैं वो टूट जाएंगी। इसीलिए ये कहाँ फैलते हैं, ये जमीन पे फैलते हैं, ये जमीन पे सपोर्ट लेके फैलते हैं। द क्रीपर्स लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स, और ये भी कुछ महीने के लिए ही होते हैं, जैसे आपका कद्दू भी, वो भी जमीन पे उगता है, या फिर आपका क्यूकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, आपके वाटरमेलन, तरबूज, ये सब क्या है, जमीन पर उगते हैं, क्योंकि बहुत भारी होते हैं तरबूज, और ये चढ़ नहीं सकते उतने भारी फल को लेके, कैसे ये चढ़ेगा पौधा। देखिए आपके एग्जाम्पल में दे रखा है कौन कौन सा है, पंपकिन, आपका वाटरमेलन, आपका बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड क्या होता है, कद्दू, ये सारे क्या है आपके एग्जाम्पल हैं क्रीपर्स के। पंपकिन, वाटरमेटल, मेलन, बॉटल गार्ड आर क्रीपर्स, ये सारे क्रीपर्स हैं। ठीक है, अब चौथे तरह का प्लांट आपका क्या आ गया, थॉर्नी प्लांट्स, कांटे वाले पौधे, उनको थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। सम प्लांट्स लाइक रोज एंड कैक्टस हैव थॉर्न्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स मतलब कांटे, दे आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, इनको क्या कहते हैं, कांटेदार पौधे कहते हैं, थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। आपके इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, रोज और कैक्टस, कैक्टस देखा है ना आपने, और रोज का भी प्लांट देखा है, इस दोनों में क्या होता है, कांटे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं इसमें कि कांटे होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। थॉर्नी प्लांट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि थॉर्न मतलब कांटा होता है, ठीक है, तो इनको थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। अब अगले तरह के पौधे जो हैं आपके वो क्या होते हैं, वीड्स। वीड्स क्या है, हम देखते हैं वीड्स क्या होते हैं, अलग तरह के पौधे क्या होते हैं आपके, अगले पौधे क्या है, वीड्स। द प्लांट दैट ग्रो एट प्लेसेस वेयर दे आर नॉट नीडेड आर कॉल्ड वीड्स, ऐसे पौधे जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो जहां उग जाते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां पे उग जाते हैं, तो उनको वीड्स कहते हैं। वीड्स कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी और चीज की, आपने अपने पे अपने खेत में लगाया किसी और चीज का पौधा, मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं कद्दू की, मगर आपके कद्दू के अगल बगल और भी घास और किसी और तरह के पेड़ उग गए, तो वो क्या कहलाएंगे, वीड्स कहलाते हैं। ठीक है, पॉइजनस आईवी एंड मिल्की थिस्टल आर सम वीड्स, पॉइजन आईवी एंड मिल्क थिस्टल आर सम वीड्स, ये एग्जाम्पल है आपके वीड्स के, ये सब कहीं भी उग आते हैं, और इन्हें निकाल कर, और वीड्स को हम लोग पौधे के बीच बीच से निकाल कर हटाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे पौधे की ग्रोथ को कम करते हैं,
इसीलिए इनका होना हमारे पौधे के अगल बगल सही नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए गेहूं की खेती कर रहे हैं, मगर गेहूं के खेत में गेहूं के साथ साथ और भी कुछ घास जैसी चीजें उग गई, तो वो क्या है, आपके वीड्स हैं। जिन पौधों की हमें जरूरत नहीं है वो क्या है, वीड्स हैं। अब चौथे तरह का पौधा आ गया आपके पास, क्या, वाटर प्लांट्स। क्या आ गए, वाटर प्लांट्स आ गए। वैसे प्लांट्स जो कि पानी में उगते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपको, वाटर प्लांट्स नाम ही है, पानी वाले पौधे। द प्लांट्स दैट ग्रो कंप्लीटली अंडर वाटर, ऐसे पौधे जो कि पानी में उगते हैं, आर ऑल्सो ऑन वाटर आर कॉल्ड। कुछ ऐसे पौधे जो पानी के अंदर या पानी के ऊपर उगते हैं उसको क्या कहते हैं, वाटर प्लांट्स कहते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो कंप्लीटली अंडर वाटर, ऐसे पौधे जो बिल्कुल पानी के अंदर उगे, एंड ऑल्सो ऑन द वाटर, और पानी के ऊपर भी उगे, आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स, ऐसे पौधों को वाटर प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या, आपके लोटस, वाटर लिली, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल है किसके, वाटर प्लांट्स के। ऐसे पौधे जो पानी के अंदर और पानी के ऊपर उगे उन्हें वाटर प्लांट्स कहते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो कंप्लीटली अंडर वाटर एंड ऑल्सो ऑन द वाटर आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके लोटस और वाटर लिली। अब ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, कहते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड, कहते हैं कि हरे पौधों को धूप, हवा और पानी की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। किन किन चीजों की जरूरत होती है, सनलाइट, एयर एंड वाटर। ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड, हरे पौधों को अपना खाना बनाने के लिए धूप, हवा और पानी की जरूरत होती है। द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड ड्यूरिंग डे टाइम, जो पत्ते होते हैं पेड़ के वो दिन के समय में खाना बनाते हैं। पेड़ का खाना कौन बनाता है, पत्ते बनाते हैं। कब बनाते हैं, डे टाइम में, दिन के समय में। द स्टेम कैरीज देयर फूड टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, जो स्टेम होता है प्लांट का, जो तना होता है प्लांट का, वो क्या करता है, पेड़ का खाना, जो खाना पत्ते में बना होता है वो कहाँ पहुंचाता है, पेड़ के अलग अलग भाग में पहुंचाने में मदद करता है। प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड, जो बचा हुआ खाना है, जो खाना बच जाता है पेड़ के अंदर, वो क्या करते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं। वो जैसे कि हमारे घर में खाना बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं अगले दिन के लिए। उसी तरह पेड़ क्या करते हैं, अपना खाना ये भी स्टोर कर देते हैं। कहाँ स्टोर कर देते हैं, इन देयर रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स, लीव और सीड्स। हर अलग अलग पौधे का अलग अलग जगह स्टोर करने का, कुछ पौधे रूट में, जड़ों में स्टोर करते हैं, कुछ स्टेम में स्टोर करते हैं, कुछ पत्तों में स्टोर कर देते हैं, कुछ किस चीज में स्टोर करते हैं, बीज में। तो हर पौधे अलग अलग जगह स्टोर करते हैं, जो जहां स्टोर करता है हम उसका वो चीज खाते हैं। जैसे कि जो प्लांट अपने जड़ में स्टोर कर रहा है, कौन सा जड़ में स्टोर कर रहा है, जैसे गाजर का पौधा हो गया आपका, वो जड़ में स्टोर करता है, तो उसका जड़ क्या है, गाजर खुद उसका जड़ है, तो गाजर को हम खाते हैं। जो स्टेम में स्टोर कर रहा है, स्टेम आलू, आलू के पौधे का स्टेम जो है, तना जो है, आलू खुद ही है, तो उस आलू को हम खाते हैं। फ्रूट, अगर जो आम का पौधा है वो अपना कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा खाना, बचा हुआ खाना, मैंगो में, तो वो मैंगो क्या करते हैं, हम खाते हैं। और आपका पालक हो गया, पालक अपना खाना कहाँ स्टोर कर रहा है, पत्तों में, तो उन पत्तों को, लीव्स में, तो उस लीव्स को क्या करते हैं, हम खाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपना खाना अपने बीज में स्टोर करते हैं, सीड में, तो कौन कौन से सीड्स हम खाते हैं, जो गेहूं आप खाते हैं वो क्या है, सीड ही तो है। जो चावल हम खाते हैं वो क्या है, वो भी तो सीड है। तो ये सारे सीड्स हैं जो हम खाते हैं खाने के तौर पे, ठीक है।
तो हर पौधा अलग अलग जगह अपना बचा हुआ खाना स्टोर करता है, और वो जहां स्टोर करता है उस चीज को हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पौधे के बने हुए एक्स्ट्रा खाने से ही तो हमें खाना मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। बात समझ में आई आपको? तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आज हमने कितने टाइप के प्लांट्स के बारे में पढ़ा? जस्ट रिकॉल में देखिए, हमने सबसे पहले ट्री के बारे में पढ़ा। ट्री क्या था? ट्री सबसे बड़ा पेड़ जो होता है उसको ट्री कहते हैं। ट्री टॉल होता है, स्ट्रांग होता है। ट्री के क्या होते हैं? वुडी स्टेम होते हैं। स्टेम मतलब तना। स्टेम क्या होता है कि मैं बताऊं स्टेम क्या होता है? जैसे ये देखिए आपका पेड़ है ना, तो पेड़ जिस चीज के सपोर्ट से खड़ा रहता है, ये आपका स्टेम होता है। ये जमीन के ऊपर जो भाग होता है, ये क्या होता है? पेड़ का स्टेम होता है, याद रखिएगा, इसको स्टेम कहते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? ट्री के बारे में पढ़ा कि ट्री में ट्री स्ट्रांग होता है, वो बहुत साल तक जिंदा रहता है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। दे है द स्टेम ऑफ द ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। मैनी ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द ट्रंक। और कौन कौन से ट्री होते हैं? नीम, बैनियन, मैंगो, और भी बहुत सारे जो आपके ट्रीज होते हैं अलग अलग तरह के। इनकी जो इनका जो ये स्टेम होता है, ये कैसा होता है? वुडी होता है, स्ट्रांग एंड वुडी होता है, लकड़ी जैसा। अब फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा सर्ब्स के बारे में। सर्ब्स क्या हैं? दे आर स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे हैं विथ स्ट्रांग स्टेम। मगर इनकी जो तनाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? स्ट्रांग होती हैं। इनकी जो ये स्टेम है ये भी क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, वुडी होते हैं, मगर ये थिन होते हैं, पतले होते हैं। इन मोटे नहीं होते, ये थिन होते हैं, पतले होते हैं। ये छोट और ये जो पौधे होते हैं, शर्ब्स जो होते हैं, ये ट्री से छोटे होते हैं, पेड़ों से छोटे होते हैं। और विदाउट अ सिंगल मेन ट्रंक। और ऐसा नहीं है कि इनमें एक ही ट्रंक हो, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें एक से ज्यादा ट्रंक हो। ठीक है, और इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी शाखाएं निकल कर आती हैं। और इनकी जो ब्रांचेस होते हैं वो जमीन के नजदीक उगते हैं, ये कुछ सालों तक उगते हैं। जैसे आपके ट्री थे ना, ट्री बहुत सालों तक उगते हैं, और ये कुछ सालों तक रहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या थे? रोज, जैस्मिन, कॉटन एंड आर शर्ब्स। फिर हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, जो बहुत छोटे पौधे होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, टेंडर ग्रीन कलर स्टेम होते हैं इनके, और इनके स्मॉल रूट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं, उनको हर्ब्स कहा जाता है। दे लिव फॉर ओनली वन सीजन, और ये एक ही सीजन, एक मौसम में लगते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। और इनके भी एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने, ब्रिंजल, स्पिनेच, कोरियांडर। इनके स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा कि वैसे पौधे जो कि खुद खड़े नहीं हो सकते, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो। इनको सपोर्ट की जरूरत होती है खड़े रहने के लिए और बढ़ने के लिए, इनको क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स कहते हैं। इनकी जो स्टेम होते हैं बहुत ही वीक, लॉन्ग, थिन होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा क्लाइंबर्स का, ग्रेप वाइन, वी प्लांट, मनी प्लांट। फिर हमने क्रीपर्स के बारे में पढ़ा कि क्रीपर्स होते हैं, ये भी जो होते हैं लताएं ही होती हैं, मगर इन्हें क्या चाहिए? ये ग्रो करते हैं ग्राउंड पे, ये चढ़ते नहीं है ऊपर। ये क्यों नहीं ऊपर चढ़ते हैं? क्योंकि जो इनके फ्रूट्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, दे आर वेरी बिग इन साइज, वेरी हैवी, तो ये ऊपर नहीं चढ़ सकते। और इनकी जो स्टेम होती है इट्स वेरी सॉफ्ट, ग्रीन, वीक, कमजोर सी स्टेम होती है, तो स्टेम को नुकसान होगा, टूट जाएंगी, इसीलिए ऊपर नहीं चढ़ती। और ये कुछ ही महीने रहते हैं क्रीपर्स। और फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा थॉर्नी प्लांट्स के बारे में। थॉर्नी प्लांट्स वैसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं, इनमें कांटे होते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा कि कैक्टस और रोज आपके क्या थॉर्नी प्लांट्स। फिर हमने वीड्स के बारे में पढ़ा कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो उग जाते हैं कहीं भी, जो कि जिनकी जरूरत नहीं होती है, दे आर नॉट नीडेड, उनकी जरूरत नहीं होती, आर कॉल्ड वीड्स। कुछ वीड्स के बारे में हमने पढ़ा कि पॉइजन आईवी वीड है, एक मिल्क थिस्टल करके नाम है जिनका, वीड है ये सारे। फिर हमने वाटर प्लांट के बारे में पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर या फिर पानी के ऊपर उगते हैं, इनको वाटर प्लांट्स कहते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो कंप्लीटली अंडर वाटर, पूरी तरह पानी के अंदर उगते हैं या फिर
ऑल्सो ऑन द वॉटर या फिर पानी के ऊपर उगते हैं, दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स, उनको वाटर प्लांट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या थे, लोटस और वाटर लिली। फिर हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, कि प्लांट्स नीड सनलाइट एयर वाटर टू मेक देयर ओन फूड। पेड़ को अपना खाना बनाने के लिए धूप हवा और पानी की जरूरत होती है। द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड ड्यूरिंग द डे, जो पत्ते होते हैं पेड़ के वो दिन के समय में खाना बनाते हैं, और जो स्टेम होता है प्लांट का वो खाना पेड़ के अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है। तो एक्स्ट्रा बचा हुआ जो खाना होता है वो स्टोर हो जाता है किसी पेड़ के रूट में, किसी में स्टेम में, किसी में फ्रूट में, किसी में लीव्स में, किसी में सीड में, ठीक है, और वही हम खाते हैं। लेट्स कम टू एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। What kind of plant live only for one season? किस तरह के पौधे सिर्फ एक सीजन के लिए उगते हैं? क्लाइंबर्स, हमने पढ़ा था ना, क्लाइंबर्स जो है वो सिर्फ एक सीजन के लिए उगते हैं। तो क्या है इसका आंसर? क्लाइंबर्स। What is the stem of a tree called? ट्री के स्टेम को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। इसका आंसर क्या था? क्लाइंबर्स, CLIMBERS, क्लाइंबर्स। इसका है ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। Which is smaller, a shrub or a herb? छोटा कौन होता है, shrub या herb? Herb छोटा होता है ना, तो आप लिखेंगे a herb. A herb is smaller. What are small plants with strong stems called? छोटे पौधे जिनके की stem बहुत strong होते हैं उनको क्या कहते हैं? Shrub कहते हैं, SHRUB, shrub. Where is a cactus mostly found? Cactus कहाँ उगता है? हमने पढ़ा था cactus desert में उगता है, DESERT, डेजर्ट, डेजर्ट रेगिस्तान में उगता है। नाउ व्हाट आर वीड्स? आपका क्वेश्चन है कि वीड्स क्या है, हमने वीड्स में पढ़ा कि वीड्स क्या है। यहां देखिए, ये आपका आंसर है, द प्लांट दैट ग्रो एट प्लेसेस वेयर दे आर नॉट नीडेड आर कॉल्ड वीड्स। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, पॉइजनस आईवी एंड मिल्क थीस्ट आर सम वीड्स। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू क्रीपर्स, व्हाई डू क्रीपर्स ग्रो ऑन ग्राउंड? क्रीपर्स जमीन पर क्यों उगते हैं? मैंने बताया था क्योंकि उनके जो प्लांट है में फ्रूट होते हैं या वेजिटेबल होते हैं बहुत ही भारी होते हैं। प्लांट्स दैट हैव सॉफ्ट ग्रीन वीक स्टेम आर कॉल्ड क्रीपर्स, दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, ये जमीन पर उगते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्यों? दे बियर हैवी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिकॉज दे बियर हैवी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, क्योंकि वो भारी सब्जी और फलें उगाते हैं, इसीलिए वो नहीं उग सकते, खड़े हो सकते सीधे, इसलिए वो जमीन पे उगते हैं। हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? हरे पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं, हमने पढ़ा इसमें, देखिए ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड में क्या पढ़ा हमने, ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट एयर एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड, द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक देयर फूड ड्यूरिंग द डे टाइम। ये क्या है आपका आंसर है इसका, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ स्टेम डज अ जैस्मिन फ्लावर हैव? जैस्मिन फ्लावर का स्टेम कैसा होता है? हमने एग्जांपल में पढ़ा था जैस्मिन का स्टेम कैसा होता है, जैस्मिन क्या था, शर्ब। शर्ब का स्टेम कैसा होता है, तो आप लिखेंगे जैस्मिन स्टेम इज वुडी बट थिन विदाउट सिंगल मेन ट्रंक। क्या लिखेंगे, जैस्मिन ट्री स्टेम इज वुडी बट थिन विदाउट अ सिंगल मेन ट्रंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जैस्मिन फ्लावर हैव, और उसके आगे का आंसर आप लिख देंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्टेम डज अ क्लाइंबर हैव? क्लाइंबर का स्टेम कैसा होता है, आइए क्लाइंबर में हम पढ़ते हैं, क्लाइंबर का स्टेम कैसा होता है हमने पढ़ा था, क्लाइंबर्स हैव वीक लॉन्ग एंड थिन स्टेम। क्लाइंबर का स्टेम कैसा होता है, क्लाइंबर हैव वीक लॉन्ग एंड थिन स्टेम, यही आपका आंसर है। आपको क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, नाउ कम टू नेक्स्ट।
गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, आपको दो एग्जाम्पल देने हैं. ट्री का एग्जाम्पल देना है. ट्री कौन कौन से होते हैं? मैंगो, MANGO, मैंगो और नीम, ट्री हो गए. शर्ब्स का एग्जाम्पल देना है. शर्ब्स में क्या हो गया आपके? रोज और जैस्मिन. आपके बुक में दे रखा है. हर्ब्स, हर्ब्स में क्या क्या थे आपके? स्पिनच, पालक और कोरिएंडर, या फिर ब्रिंजल, ये भी है एग्जाम्पल में आपके दिया हुआ. वीड्स, वीड्स में क्या थे? आईवी पॉइजन, आईवी पॉइजन, आईवी और दूसरे का नाम क्या था? मिल्क थीस्ट. आप देखकर लिख लीजिएगा बुक से. देखिए यहाँ दिया है एग्जाम्पल, देखिए देखिए यहाँ लिखा है पॉइजन आईवी एंड मिल्क थेस्टल, वीड्स के एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स के क्या क्या एग्जाम्पल थे आपके? पी प्लांट क्लाइंबर था और ग्रेप वाइन क्लाइंबर था. नेक्स्ट है आपका क्रीपर या फिर मनी प्लांट, वो भी क्लाइंबर था. क्रीपर में क्या क्या था? वाटरमेलन, वाटरमेलन और बॉटल गार्ड, कद्दू आपका बॉटल, GOURD गार्ड. वाटर प्लांट्स में क्या क्या थे आपके? लोटस, LOTUS लोटस और वाटर लिली, वाटर LILY. आप बुक से देखकर लिख सकते हैं ये सारा. देखिए आपके सारे प्लांट्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ. देखिए लोटस एंड वाटर लिली है. नाउ कम टू ट्रू एंड फॉल्स. ट्री हैव वीक स्टेम. पेड़ के जो तने होती हैं वो क्या वीक होती हैं? कमजोर होती हैं. फॉल्स, क्या ये फॉल्स है? पहला क्वेश्चन अब क्या लिखेंगे? फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स. कॉटन इज अ शर्ब. कॉटन शर्ब है, ट्रू. कॉटन शर्ब ही है, ट्रू. सेकेंड ट्रू, पहला फॉल्स. हर्ब हैव स्मॉल रूट. हर्ब के जो रूट होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ट्रू. लोटस इज अ वाटर प्लांट, ट्रू. रूट कैरी फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो रूट है वो हर प्लांट के पार्ट में पानी पहुंचाता है. फॉल्स, क्या पहुंचाता है? खाना कौन पहुंचाता है प्लांट के हर पार्ट में? हमने पढ़ा ना, स्टेम पहुंचाता है. क्या पहुंचाता है? स्टेम. तो ये क्या फॉल्स है? नेक्स्ट आइए आप फिल इन द ब्लैंक्स पे. पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है आपका? डैश कैरी फूड टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट. क्या कैरी करता है फूड सारे प्लांट के पार्ट में? स्टेम, STEM, स्टेम. डैश इज वाटर प्लांट. इस सारे में वाटर प्लांट कौन सा है? वाटर लिली. वाटर लिली इज वाटर प्लांट, WATER, वाटर लिली, LILY. ठीक है. और डैश इज अ बुशी प्लांट. बुशी प्लांट कौन होता है? बुश जैसा, इसमें झाड़ीदार. शर्ब्स, लिखा था ना शर्ब्स में कि शर्ब्स की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो वो झाड़ी जैसा होता है, बुशी प्लांट होता है शर्ब. कैक्टस ग्रो इन. कैक्टस कहाँ उगता है? डेजर्ट में, रेगिस्तान में. DESERT, डेजर्ट में क्या उगता है? कैक्टस उगता है. नेक्स्ट है आपका पॉइजन आईवी इज अ वीड. हमने पढ़ा पॉइजन आईवी क्या है? वीड है, WWED, वीड. आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. मैच द कॉलम. नेक्स्ट पेज में क्या है आपका? मैच द कॉलम. रूट, रूट क्या करता है? जमीन से वाटर और मिनरल को कैरी करता है. रूट क्या करता है? जमीन से पानी और मिनरल पहुंचाता है आपके पेड़ में. स्टेम, स्टेम क्या करता है? स्टेम क्या करता है? खाना पहुंचाता है. स्टेम जो है आपका वो खाना पहुंचाता, पानी पहुंचाता है रूट से जो लिया है पत्तों तक. कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ. जड़ से पत्तों तक पानी और
मिनरल पहुंचाता है. लीफ, लीफ क्या करता है, खाना बनाता है ना. प्रिपेयर फूड इन सनलाइट विथ वाटर एंड एयर. लीफ खाना बनाता है. फ्लावर, फ्लावर क्या है, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. ये बहुत खूबसूरत पार्ट है प्लांट का. कंटेन अ बेबी प्लांट सीड. सीड क्या कहता है, करता है, सीड में बेबी प्लांट होता है, सीड से नया प्लांट निकल कर आता है. तो ये आपका कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू पजल. अब हम पजल पे आते हैं. पहला क्या आपका GMNO, तो ये मैंगो. फिर ANA BNA बनाना. थर्ड वाला आपका लोटस, फिर रोज, फिर मनी प्लांट, फिर पंपकिन, और फिर लास्ट वाला है गार्ड, बॉटल गार्ड वाला गार्ड. और नेक्स्ट है पी. पी ये पी, पी मतलब मटर. तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब. और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको लिखना है कि इसमें से कौन कौन से फिगर में कौन कौन सा पेड़ दिया हुआ है, वो क्या है. पहला नीम है आपका, तो नीम किस में आएगा, ट्री में. ट्री वाले में क्या लिखेंगे आप, पहला नीम. उसके बाद क्या, टमाटो. तो टमाटो क्या होता है, शर्ब होता है टमाटो. वाटरमेलन, वाटरमेलन क्या होता है, वाटरमेलन क्रीपर होता है, जमीन पे उगता है ना वाटरमेलन, वाटरमेलन क्रीपर होता है, ठीक है, इसमें लिखेंगे वाटर. फिर कॉटन, कॉटन क्या है, सर्ब है, हमने पढ़ा अभी. फिर मनी प्लांट, मनी प्लांट क्या है, क्लाइंबर है. मनी प्लांट किसमें लिखेंगे, क्लाइंबर में, मनी प्लांट. फिर पंपकिन, पंपकिन क्या है, क्रीपर है, पंपकिन, PUMPKIN पंपकिन. फिर ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन क्या है, क्लाइंबर है, हमने पढ़ा था, क्लाइंबर में लिखेंगे ग्रेप वाइन. फिर क्लाइंबर के बाद मैंगो, मैंगो क्या है, ट्री है. मैंगो में, ट्री में क्या लिखेंगे, मैंगो लिखेंगे, MANGO मैंगो. फिर कॉर्न, कॉर्न क्या है, कॉर्न आपका, कॉर्न का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हरा होता है ना, तो वो क्या है आपका, हर्ब है, याद रखिएगा, कॉर्न, कॉर्न हर्ब है. फिर राइस, राइस क्या है आपका, राइस इज अ शर्ब. राइस इज ऑल्सो अ हर्ब, राइस इज हर्ब, तो हर्ब में ही लिखेंगे राइस, राइस. उसके बाद आपका पी है, पी क्या है, पी भी क्लाइंबर है, पी, PEAP. फिर लोटस, लोटस क्या है, वाटर प्लांट है, LOTUS लोटस. फिर बनाना, बनाना क्या है आपका, बनाना का जो तना है वो कैसा होता है, हरा होता है, तो ये भी क्या है, हर्ब है, बनाना, बनाना हर्ब है, बनाना, ठीक है. देन रोज, रोज क्या आपका, शर्ब है, ROSE रोज, रोज क्या है, शर्ब है. और ये आपका फिनिश हो गया. तो इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.